हेलो, हेलो, जय माता दी। जय माता की। जी, मैं आज आपका वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, पंडोकर धाम के बारे में। जी, हम प्रॉपर रहने वाले बिहार के हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, हमारा नाम है सुनीत कुमार, सुमित। सुनीत, SUNIT, अच्छा, सुनीत कुमार हमारा नाम है, सुनीत। सुनील कुमार। हाँ, सुनीत कुमार। हाँ जी, सुनील जी बताइए। और हम प्रॉपर रहने वाले बिहार के हैं, डिस्ट्रिक्ट है हमारा भागलपुर। हाँ, तो हम पंडोकर धाम के बारे में, मतलब 5-6 दिन से आपका वीडियो देख रहे थे, तो हम सोच रहे थे चौहान जी से एक बार संपर्क किया जाए, क्योंकि हम भी एक ठगी के शिकार है पंडोकर धाम के। जी अच्छा, जी जी और हमने तो काफी लगभग लगभग हमारा 60-70 हज़ार रुपया खर्च हो चुका उसमें। पर्याप्त खर्चा हो गया। हाँ, उससे ऊपर हो गया होगा, उससे नीचे नहीं। ये कब की घटना जी, है? ये हम बता रहे हैं 2022-19 मार्च की। पहले हम वो उनका वीडियो देखते थे यूट्यूब में, अच्छा, जनवरी फरवरी में। तो बहुत दिन वीडियो देखे, बहुत लोगों से पूछे क्या हाँ ये हाँ सही है या गलत है। तो बहुत लोगों, कुछ अच्छा भी बोला, कुछ बुरा भी बोला, फिर भी हाँ मेरा हाँ मन नहीं माना। तो हम बोले एक बार खुद जाके देखते हैं पंडोकर धाम में। तो बिल्कुल। हम होली के समय पे गए हुए थे। हाँ, अच्छा, 19 मार्च को हम वहाँ पहुँच गए थे। तो फिर आपको और पर्ची अच्छी कटवानी पड़ी होगी। हाँ जी, हाँ जी, हमने 2100 रुपया की पर्ची डाली, लेकिन हाँ हमारे साथ एक कल ये कहिए ना कि हम जो पर्ची करवाए थे ना खुद का 19 मार्च को, तो हाँ हमें बोला कि आपका नंबर 15 दिन के बाद आएगा। हाँ अच्छा, कोई, हाँ, कोई बोल रहा तो 10 दिन के बाद आएगा, कोई बोल रहा तो 15 दिन के बाद आएगा हमारा नंबर। तो हाँ, वहीं पे एक, मतलब झांसी स्टेशन से उतरे ना हम, पंडोकर धाम के लिए जो टैक्सी में बैठे ना, तो उसी में एक जयपुर का एक, मतलब आते जाते संपर्क नहीं हो जाता है। हाँ, उससे हमें, मतलब पंडोकर धाम, उसी आगरा से लेके पंडोकर धाम आने में लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगता है। तो उसी से जान पहचान हो गया, उसी गप सप होने लगा। तो वो पहले वो अपनी पर्ची, बहुत लोगों की पर्ची कटवा चुका था वो। अच्छा, हाँ, तो उन लोगों का जो पर्ची कटवाया था ना वो, किसी किसी और लोगों का, तो वो लोग समय पर नहीं आ पाए थे, मतलब उन्नीस अच्छा, मार्च को। तो हाँ बोला भैया आप ऐसा करो, मेरा जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है इस पर्ची में, 2100 रुपया, वो हाँ तुम दे दो हमें, हमारा पर्ची तो गुरु जी से मिल रहा, क्योंकि उसका 19 मार्च को डेट था। अच्छा, हाँ, तो हम मन में संकोच भी हुआ कि मिले क्या बोलेंगे, गुरु जी नहीं बोलेंगे पर्ची अच्छा है या नहीं। फिर भी हाँ लेकिन हाँ हम रिक्स लेके मिल गए गुरु जी से, 19 मार्च को ही मिले थे। एक मिनट, वहाँ पर्ची वर्ची सारा चीज हम निकाल रहे, अपना सारा चीज रखे हुए हैं। मतलब आप दूसरी की पर्ची से मिले, तो हाँ, दूसरी की पर्ची से मिले हम। आपने पर्ची अपनी नहीं कटवाई? हाँ, हमने अपनी पर्ची कटवाई, सेम अच्छा, डेट में कटवाई आपने, पर्ची हम। अच्छा, आप अपनी भी हाँ कटवाई, तो फिर उनको दे हाँ दिया अपनी क्या? हाँ, अपनी भी पर्ची कटवाए हम 19 मार्च को ही, और 19 मार्च को ही गुरु से मिले भी। अच्छा, पर दूसरी की पर्ची के सहारे। अच्छा, हाँ, दूसरी की पर्ची से मिले गुरु जी से। तो हम फिर दूसरी के पर्ची से मिले, तो गुरुजी पास लगभग 2-2.5 घंटे मिलने के बाद, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अंदर में कैद कर लेता, बाथरूम के लिए भी नहीं जाने देता, पानी के लिए भी नहीं जाने देता, बहुत लोग बोलता है ना। अंदर जाने के बाद वो बंद कमरे में गुरुजी से मिले हम। अच्छा, गुरु तो जी मतलब उनके पास दो बिल्डिंग की व्यवस्था है ना, एक तो हॉल है जिसमें वो दरबार लगता है पूरा। अच्छा नहीं, वो दरबार वाले नहीं, बंद कमरे वाले मिले थे हम। अच्छा अच्छा दरबार तो वो उस समय लग रहा था 9 बजे रात से, अच्छा अच्छा अब तो उसका टाइमिंग चेंज कर दिया, शायद 6 बजे से ही कर दिया है। हाँ, हाँ तो हम गुरु जी से मिले, दूसरे का पर्ची मिले, लेकिन गुरु जी जो हमें बताया उस पर्ची पर हम संतुष्ट हो गए थे। भले ही अच्छा हमारा अच्छा काम नहीं हुआ है वहाँ पे जाके, लेकिन जो पर्ची पर गुरु जी हमें बताया है अच्छा, उस चीज़ से हम संतुष्ट हो गए थे, क्योंकि हमारा कमर में जो है ना प्रॉब्लम है, सर्वाइवल हाँ डिस्क प्रॉब्लम हमारा कमर में, वो झुकने से बहुत ज़्यादा पेन होता है। अच्छा इसका ट्रीटमेंट हम बहुत जगह कराए, दिल्ली में, बेंगलोर में, सिलीगुड़ी में, जहाँ जाने लगा तो वहाँ वहाँ ट्रीटमेंट हम कराए इनका, अपने खुद का, हाँ लेकिन ठीक नहीं हो पाया। तो वही वीडियो देखने के बाद घर में डिस्कस किया भाई से, माँ से, क्या जाए। तो माँ लोग बोली ठीक है, जाओ जाके देखो, जाने में क्या लगा हुआ। तो हाँ हमें तो हाँ नहीं मालूम था ना कि वहाँ जाने के बाद इतना इतना परेशानी होता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रुको, 15 दिन रुको, पर्ची कटवाओ, अमावस्या करो, तो फिर ये सब आप चीज। उनसे मिले और आपका लाभ मिल गया आपको। नहीं, हमारा काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ हमारा काम। अच्छा, तो फिर संतुष्ट कैसे हो गए?
ना, जो गुरु जी से जो पर्ची में लिखे गुरु जी हमें, अच्छा अच्छा पर्ची पे जो गुरु जी हम लिखे वो पर्ची हम आपको वास्ते भी कर देंगे। हाँ, वो पर्ची में गुरु जी हमारे लिखे, हम पर्ची बता रहे कि L4 L5 में गैप है, अच्छा कमर में पीड़ा बनी हुई है। हाँ हाँ, वो बाकायदा मेरा नाम भी उस पर्ची पे लिखा, सुनीत कुमार जाटव। हाँ हाँ हाँ, इसमें लिखा था 20 अक्टूबर 2022 तक, मतलब पता नहीं किस तरह लिखता है, वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। अच्छा, मनोकामना पूर्ण होगी ये लिखा हुआ था। और हम अपना जो खुद की पर्ची कटवाए हुए थे, हाँ उस पर्ची पे हम मिले मार्च अप्रैल में मिले थे। अच्छा, वो जो पर्ची हम खुद कटवाए थे ना, वो पर्ची हम सोचे इस बार अपना तो मिल लिए, माँ के बारे में, माँ हमारी थोड़ी बीमार रहती है, हाँ हाँ तो उससे उसके बारे में पूछ ले, तो वो भी बंद कमरे में ही गुरु जी से मिले हम। हाँ हाँ तो अप्रैल में मिले थे, तो उसमें माँ के बारे में भी वो मतलब जाते के साथ वो बताया शक्कर की, मतलब मेरी माँ को डायबिटीज पेशेंट है, हाँ हाँ उसमें लिखी थी शक्कर की बीमारी है, मनोकामना पूर्ण होगा, तत्काल दवा लगेगी, 20 सितंबर तक 2022 तक हाँ सफलता प्राप्त होगी। ये हम जो अपना खुद का पर्ची कटवाया था उस पर्ची पे मिले माँ के अच्छा बारे ठीक में, लेकिन है। हमारा काम कुछ नहीं हुआ जी। तो केवल इतना जानकारी मिलने से आपका भला क्या हुआ? नहीं भा, हम तो बता रहे हैं हमारा काम नहीं हुआ है, ये तो हम तो आपको बता ही रहे हैं ना हाँ, तो वही तो देखिए, जी। हम कह रहे हैं जानकारी कैसे दिया उन्होंने उनका मैटर है। हाँ, वो जानकारी अब कैसे वो दिया ये हमें सीधे नहीं समझ में दिया आया या कुछ जानकारी इकट्ठा करके दिया, पर उन्होंने दिया, पर जी। उससे जी जिस जी उद्देश्य गए थे, जो जी हमारी परेशानी हुई तो थी, वो तो दूर नहीं हुई ना। जी नहीं, वो दूर नहीं हुई, तो वो परेशानी आपकी हमारी जैसी परेशानी तस अगर बनी दूर हुई। नहीं हो रही है, तो फिर तो वहां जाने से कोई फायदा नहीं हुआ, केवल आने जाने भर तो रहा। हाँ जी, हम वो आपको लास्ट गए थे, मतलब 6 अमावस्या हमें बताया गया था, 5 अमावस्या, हाँ अच्छा तो वो 5 अमावस्या भी हम कर लिए सितंबर तक में, अच्छा अप्रैल, पांच मई, अमावस्या जून, भी गए जुलाई। हैं आप? हाँ, सितंबर को मेरा अमावस्या भी पूरा हो गया, रामायण पाठ का भी हम 3500 रुपया दे चुके थे, वो नारियल बंधन जो कहता है वो भी कर चुके थे, और ये हाँ हवन के लिए जो हमें टाइम दिया था ना, हाँ वो 28 फरवरी 2023 को टाइम दिया था, उसका जो अच्छा हमने पैसा जमा कर दिया अच्छा वो खुद का, लेकिन 2 अमावस्या 3 अमावस्या जाने का पीरा जस की तस बनी हुई हमारी। तो मेरी माँ बोली थी हमें, जब कोई काम नहीं हो रहा बेटा तो मत जाओ वहाँ, लेकिन मन में था कि इतना था, पर एक बार जाने में 5 से 6 हज़ार रुपया लग जाता था, तो जी उसमें जी भागलपुर से पटना जाते थे, फिर पटना से वहाँ से ट्रेन में टिकट लेते थे, 1000 रुपया में जाने का, 1000 रुपया आने का लग जाता था, और माँ प्लस की वहाँ में तबीयत क्या हुआ? माँ की जो आप जानकारी थी, उनको उन्हें लाभ मिल गया? नहीं, उनको लाभ, उनको भी कहाँ लाभ मिला, तो फिर क्या लाभ मतलब नहीं हुआ? मिला फिर तो क्या मतलब हुआ? तो सीधे सीधे जादूगरी खेल हो गया। यही तो हमें समझ में नहीं आता चौहान जी ना, कि आखिर वो हम गए, वो हमारे बारे में ना कोई हमसे पूछा नहीं, हम वहाँ फर्स्ट टाइम गए थे नहीं, 19 मार्च को आपकी जानकारी बता दे, ऐसे कई जादूगर हैं जो आपके सामने से आपकी घड़ी का टाइम गोल कर दे रहे हैं, आपको पूरा पूरा नई नई चीज दिखा दे रहे हैं, जो चाहते हैं वो आप देख लेते हैं। तो ये तो जादूगरी वाले भी कर देते हैं भाई। पर महत्वपूर्ण ये है कि आप हमारा त्रिकालदर्शी है, तो आपने थोड़ा सा बता दिया, तो आगे क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि जो हमारी समस्या दूर हो हाँ गई उस, वो हो गई? हाँ जी, उसके आगे तो कुछ नहीं देख पा रहे वो। हाँ भाई, अपने और आप को त्रिकालदर्शी हम कहते तो हैं, तो बाकायदा आगे तो जानते आपने हैं क्यों नहीं चौहान देखा जी। कि हमें लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, बाकायदा गुरु चौहान जी हम वहाँ 6 महीना गुजारे हैं, लगातार गए, हर महीने हम जाते थे, 4 से 5 दिन हम वहाँ रुकते थे, हाँ और हर पूरा दरबार भी उतना देखते थे हम। एक तो हाँ बहुत रूडली वहाँ का जो भी स्टाफ, इतना रूडली बात करता है, हाँ इतना अच्छा रूडली, वो ये नहीं देखेगा आपका एज भी नहीं देखेगा, वो सीनियर सिटीजन है या मतलब क्या है, मतलब इतना रूडली बात करते हैं कि उनका कोई वर्णन नहीं है। हम तो काफ़ी लोगों से संपर्क में थे वहाँ, लगातार 6 महीने गए अमावस्या करने, बहुत लोगों से संपर्क में भी आए, 5 5 दिन हाँ हम रुकते थे वहाँ, मेरे जानकारी में 4 5 लोगों, किसी का काम नहीं हुआ, एक छत्तीसगढ़ की आंटी है, फिर एक दिल्ली की दीदी है, हाँ उन लोगों का भी काम नहीं हुआ। तो उन लोगों को भी आज हम फ़ोन करके बोलने वाले थे कि चौहान जी से एक बार बात कीजिए आप, उनका बिल्कुल वीडियो हम बात बहुत करें। और जब यहां से वीडियो डालता हूं ना, जी। तो फिर वो उसे संज्ञान में लेता है। नहीं अभी आप कल रिसेंटली, कल या परसों में, एक मतलब कल ही देख रहे थे आपका वीडियो, कि जिनका जिनका काम नहीं हुआ गुरु जी, वो बोल रहे थे फिर से आओ फिर से मिलो, तो व्यक्ति बोल रहे थे लगभग 400 बुजुर्ग को कोई थे, वो बताते 400 लोग गए 22 नवम्बर को, वो हाँ, पंडोकर धाम में, वो 2 4 लोग को ही देखे, बाकी किसी को देखा ही नहीं है। तो फिर काहे के लिए बुला रहे हैं? लोग किराए लगवा रहे हैं, उनका समय लग रहा है, और आप बुला रहे जी हैं, काहे के लिए बुला रहे हैं?
जी, जब मिलते ही नहीं एक्चुअल है। में बुलाने का कारण मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि जी हम प्रमाण शायद डाल रहे हैं उनकी पर्चियां, तो जी 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 उन्हें लगता है कि अगर ये पर्चियां हम इनसे लोगों से ले लें तो फिर ये कुछ नहीं डाल पाएंगे, तो जी हाँ जी जो हमारी पोल है वो नहीं खुलेगी। हाँ, नहीं खुलेगी। इसकी वजह से वो बुला के उनकी पर्चियां कलेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अच्छा ना तो ये इन्होंने किसी काम किया ना इनमें काम करने की क्षमता है, जी, केवल काम का बहाना करके ये कह हाँ जी दिया पंडुकर बाबा के नाम से या हमारे जो हनुमान जी हैं उनके नाम से केवल ठगाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, जी हाँ जी, ये और तो है हनुमान जी जी को और बदनाम कर रहे हैं, जी जी तो ये तो बहुत गलत है। इनकी आपकी जानकारी है इनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है? हाँ वो हाँ, ये वीडियो में देख रहे हैं, FIR इनके ऊपर दर्ज हो चुकी है हाँ और कई जगह जी। से FIR होने वाली है। हाँ जी हाँ जी, उनका पुतला भाई उतला भी दहन हुआ है। हाँ आप ये बताइए, जब आप वो लूट जी ही रहे हैं तो व्यक्ति कब तक लुटेगा? हाँ जी हाँ जी, सही बात है लुटने की एक लिमिट है, सब थोड़े लुट के बैठ जी जाएंगे, जी 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 कोई सब थोड़े आपसे डरते हैं। फिर नहीं, कोई नहीं डरता है। तो अब ऐसा है कि जब आपने उनके पैसे लिए तो पैसे वापस करो, नहीं तो FIR तो होनी हाँ होनी जी है, हाँ उसी का जी करोगे। जी 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 और आपको भी वहां पर एक एप्लीकेशन डाल ही देनी चाहिए मुख्यमंत्री पोर्टल में, अच्छा, वो छत्तीसगढ़ वाले मुख्यमंत्री को, आप वहां से है ना बिहार से जी। बिहार से, तो आप अपने पोर्टल में डालिए, जो अच्छा, तो मुख्यमंत्री का पोर्टल रहता है जी, उसमें सीधे सीधे आप डालिए, वहां से अपने आप जांच शुरू हो जाएगी, आईने पैसे झक मार के वापस करने पड़ेंगे। हमारा तो काफी इन्वेस्ट लग रहा और आपकी जानकारी बता दूं, आप तो आपके पास बहुत से बेस भी है ना, प्रमाण भी है? है। हाँ जी, हमारे पास सारा पर्ची वर्ची सारा चीज रखे हुए हैं नहीं, आपके पास जो पर्ची है वो तो है ही है, पर जी वो सवाल ये है कि कितने लोग लुटे, तो आप हमारी वीडियो दीजिए कि ये जी लीजिए पूरी लिस्ट लगी हुई है सैकड़ों लोग लुटे हैं वहां से। हाँ जी जी भाई भरोसा दिलवाना पड़ेगा ना सरकार को, तो जी जी बिल्कुल हमारी वीडियो दे दीजिए कि ये लीजिए ये लाइन लगी हुई है, बिहार के भी कई जी, लोग हैं। बिहार के कई लोग हैं, नालंदा के कितने लोगों का वीडियो हमने देखा है। हाँ तो हमने आप तो एप्लीकेशन डालिए, कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, मैं सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज किया जाएगा जी हाँ और ऐसा है कि जी मैं आपकी इसकी वीडियो बना के डालूंगा, आपकी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप में पर्चियां भेज दे सारी, सारी पर्चियां हाँ मतलब उनके फोटो खींच के जी, मेरे व्हाट्सएप में डाल देंगे इसी नंबर पे, ठीक, हम डाल देते और हैं। अपने फोटो सेल्फी खींच के डाल देंगे। अच्छा ठीक, हाँ इतना आप कर दीजिए, इसके बाद अपन संपर्क में रहेंगे, हम आपको जी, बताएंगे कैसे कैसे एप्लीकेशन उसमें डाली जाएगी। ठीक है अभी हम दो थोड़ा देर में, 10 मिनट में या 15 मिनट में आपको सारा पर्ची सारा हाँ इकट्ठा करके हम भेज देते हैं। अर्जी पर्ची, बिल्कुल, अमावस्या पर्ची, अमावस्या पर्ची, आज जो गुरु जी पर्ची बना के देते वो पर्ची है हाँ वो पर्ची दोनों तरफ उसकी फोटो खींच लीजिएगा, एक अपनी फोटो सेल्फी खींच लीजिएगा मोबाइल जी। पे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये मुझे भेजिए अपना, आपने पूरा नाम क्या बताया था? हमारा नाम है सुनीत कुमार, SUNIT। हाँ सुनील जी, आपकी हाँ उम्र क्या सुना, होगी? ये हमारा उम्र तो लगभग 37। जी हाँ तो अभी कोई बात नहीं, आपको तो चलो, जब बुजुर्गों को नहीं छोड़ रहे तो आपको तो कहाँ छोड़ देंगे, जी जी जो 78 साल के क्या 80 साल के बुद्धे हैं बुजुर्ग हैं, हाँ, बुजुर्ग हैं वो, आप बताइए उनको नहीं छोड़ रहे हैं, जो अपने व्हील चेयर में आ रहे हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं वो, तो आप बताइए बहुत उस व्हील रूडली, के लिए वो इतना रूडली बात करते हैं ना वो, मतलब खुद को दूसरा ईश्वर खुद को वो समझने लगा है। तो एक व्यक्ति ने बताया तो था, एक संत जी है कि कलयुग का फाउंडर, तो वही स्थिति चल रही है। और जी, चिंता न करिए, चारों तरफ से अगर आप लोगों ने मिलकर FIR करवाया ना हाँ जी तो अपने आप इनकी पोलें खुलनी शुरू हो जाएंगी सरकार के माध्यम से, और बिल्कुल जांच बिल्कुल खड़ी हो जाएगी तो अपने आप जेल भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि और नहीं कोई तो रास्ता ही लोगों नहीं। को अभी भी लूट रहे हैं, कौन रोक दिया इन्होंने, हाँ, वो अभी भी लूट रहे हैं। तो लूट तो रोकनी पड़ेगी ना। हम तो चौहान जी, अपना भी अमावस्या की, अपनी माँ का भी अमावस्या पूरा कर लिए हैं। बताइए कितनी हाँ अमावस्या करवा रहे हैं, एक व्यक्ति जा रहा है तो क्या दो अमावस्या एक बार में नहीं पूरी हो सकती है? ये तो आती है, वहां जी, अमावस्या के नाम से आपको पैसे दे के चढ़वाना पड़ता है। तो आप अमावस्या का पैसा वो 500 रुपया से नीचे का करा पर्ची ही नहीं कटेगा। आप बताइए ये क्या बात हुई, आदमी को अमावस्या में आप बुला रहे हैं, आदमी पहुंच गया उसमें भी हाँ जी पैसा,
तो पैसा के बगैर कुछ है ही नहीं, तो क्या भगवान को पैसे की जरूरत है? कुछ भी नहीं पैसे के बगैर, वो हाथ में धागा बांधते हैं ना उनके लिए, सोनू महाराज जी कहते हैं कि पैसा डालो यहाँ पे। तो आप ये बताइए कि हनुमान जी के पास खर्चा कम हो गया है क्या? अब तो ये तेरे इतने लेने पड़ रहे हैं, इतने इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, तो ये तो हनुमान जी के बिल्कुल पूरे बदनाम करवा चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें हम अवतार मानते हैं, जिनका दिया हम खाते हैं, उन्हीं के नाम से कि उनको उनके लिए चढ़ावा चाहिए। जी जी, तो ये तो बहुत आती होगी भाई। हाँ जी हाँ जी, आप मुझे भेजिए। जी जी जी, भेज रहे हैं हम सारा, वो इकट्ठा कर रहे हैं। लास्ट 10 सितंबर को हम गए हुए थे वहाँ पे। हाँ, वो अपनी अपनी माँ का सारा चीज हम आपको सबमिट कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं। जी जी, ठीक है। जय माता दी, नमस्ते।